नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और हम दोस्तों एक बार फिर से इतिहास को जानने और समझने के लिए विजयगढ़ किला पहुंच चुके हैं। सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ की चोटी पर विजयगढ़ का किला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये पूरा ऐतिहासिक चंद्रकांता का किला दिखाते हैं। काफ़ी दूर में पूरा ये विजयगढ़ का किला है, इसकी जो बाउंड्री है आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी बाउंड्री है। और हम इसी पहाड़ पर चलेंगे और आपको पूरा ये चंद्रकांता का किला दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, आपको ये पूरा ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। विजयगढ़ किले का मेन द्वार दोस्तों ये है और यहीं से अंदर एंट्री करना पड़ेगा। और ये जो विजयगढ़ किला का ये जो ये मेन दरवाज़ा है, काफ़ी भव्य है और आज के वर्तमान समय में यह जर्जर की भी स्थिति में हो गया है। तो चलिए अब हम किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस विजयगढ़ किले के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। और ये जो गेट है काफ़ी भव्य है। तो आइए अब हम चलते हैं इस विजयगढ़ किले के अंदर, जो कि यह चंद्रकांता का किला है। और आज के वर्तमान समय में ये जो किला है, रखरखाव न होने की वजह से पूरी तरह से जर्जर की स्थिति में हो गया है। ये पैदल रास्ता है, इधर से लोग पैदल आते जाते हैं। एक रास्ता दूसरा है खिड़की गेट, जहाँ से लोग गाड़ी के माध्यम से उस किले तक आसानी तक पहुँच सकते हैं। ये जो विजयगढ़ का किला है दोस्तों, देख सकते हैं कितना भव्य यह किला है। और सामने आप देख रहे हैं, यह पहला द्वार था और पहला द्वार के बाद ये दूसरा और एक सामने ये तीसरा द्वार। आइए आपको तीसरे द्वार से अंदर एंट्री कराते हैं और आपको पूरा विजयगढ़ का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों यह विजयगढ़ का किला, जो कि किसी ज़माने में कितना भव्य रहा होगा, लेकिन समय के साथ ये खंडहर हो चुका है। अगर इस ऐतिहासिक किले का रखरखाव अच्छे ढंग से अगर हुआ होता तो शायद ये जो विजयगढ़ का किला है आज लोगों के लिए एक मिसाल बना होता। तो हम दोस्तों अब इसी द्वार से अब चलते हैं, आपको पूरा विजयगढ़ का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। विजयगढ़ किले की खास बनाती है इसकी मोटी मोटी दीवारें, जो चारों तरफ पहाड़ों को ही घेर कर इस पूरे किले का निर्माण किया गया है। और यही वो द्वार है जहां से हम अंदर एंट्री किए हैं। तो चलिए आपको पूरा महल दिखाते हैं। सामने आप दोस्तों देख रहे हैं, यही है रानी चंद्रकांता का ये महल, जो कि वर्तमान समय में ये पूरी तरह से ये खंडहर हो चुका है। और ये है इसका मेन द्वार। आइए आपको महल के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस चंद्रकांता के किले में देखने को मिलता है। एक ज़माने में ये जो महल था चंद्रकांता का, काफ़ी भव्य रहा होगा, लेकिन समय के साथ रखरखाव न होने की वजह से ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। तो यही वो महल है जहाँ पर कभी रानी चंद्रकांता रहा करती थी। और आइए आपको किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस महल में देखने को मिलता है। और ये है दोस्तों ये विजयगढ़ किले की ये दीवारें, जो कि काफ़ी मोटी मोटी इन दीवारों से इस पूरे पहाड़ को घेर दिया गया है। किले की सुरक्षा के लिए उस ज़माने में इतनी मोटी मोटी दीवारों से घेरा जाता था, ताकि दुश्मन कोई अटैक ना कर सके। और एक तरफ यहाँ से देख सकते हैं ये काफ़ी गहरी खाई भी है। और ये जो बाउंड्री है, कुछ जो हिस्सा है इसका ढह चुका है, और ढहने की वजह से यहाँ पूरा ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि पुरातत्व विभाग की नज़र पड़े तो शायद इस किले की मरम्मत करवाए। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि ये ऐसे ही रह जाए। तो दोनों बातें हैं। तो चलिए अब हम किले के दूसरे महल को दिखाते हैं।
विजयगढ़ किले के अंदर दोस्तों ये दूसरी महल है, और कहते हैं कि जो रानी चंद्रकांता थी उनका मेन महल यही था, और इसी महल में रानी चंद्रकांता रहती थी, और काफ़ी बड़ा ये महल है। लेकिन ये जो महल है, ये महल भी वर्तमान समय में पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, और जो भी चीज़ बचे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके भग्नावशेष बचे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो महारानी चंद्रकांता का मेन महल है कैसा है। हालांकि महल की बनावट शैली को ही देखकर लगता है कि कितने प्यार से उस ज़माने में इस महल का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि इनके पत्थरों पर जो नक्काशियाँ की गई हैं वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है, और किसी ज़माने में ये बहुत ही भव्य महल रहा होगा। लेकिन समय के साथ रखरखाव न होने की वजह से पूरा विजयगढ़ का किला ही एक खंडहर की स्थिति में हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक द्वार है, जो कि इसका मलबा ढहने की वजह से इसका जो द्वार है एकदम छोटा हो गया है। ये लगभग उस ज़माने में बड़ा ये द्वार रहा होगा, और यहाँ से देख सकते हैं ऊपर का जो छज्जा होता है वो भी सब गिर चुका है, और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको सिर्फ खंडहर के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक द्वार दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी था, और ये भी मलबा ढहने की वजह से ये ऊँचा हो गया है और द्वार छोटा हो गया है। तो जो रानी चंद्रकांता थी उनका मेन महल यही था, और लगभग ये दो मंजिला था, दो मंजिला ये पूरा महल था, और ये दोनों मंजिला जो महल है पूरी की पूरी तरह से ये ढह चुकी है। विजयगढ़ के जो रानी थी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार थे वीरेंद्र विक्रम सिंह, इन दोनों की अटूट प्रेम कहानी थी, और रानी चंद्रकांता विजयगढ़ की थी और जो वीरेंद्र विक्रम सिंह थे वो नौगढ़ के थे। तो जो चंद्रकांता का जो सीरियल आता है वो यहीं से रिलेटेड है, और रानी चंद्रकांता का मेन महल भी यही है। तो विजयगढ़ किले में आएंगे तो आपको दो भव्य महल देखने को मिलेगा, और दोनों ही महल रखरखाव न होने की वजह से पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ खंडहर ही खंडहर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला है। और इसके नीचे भी देख सकते हैं ये सब पत्थर के भग्नावशेष, जो कि उस ज़माने में कितने प्यार से इस महल को नक्काशी देखकर और डिजाइन देकर इसको रूप अच्छा दिया गया था इस किले को। और आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अभी और क्या है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों ये जो पूरा मलबा है विजयगढ़ किले का, ये पूरी तरह से पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है कि आखिर इस ऐतिहासिक किले को बचाया क्यों नहीं गया, क्यों इसको ऐसे ही खंडहर हाल में इसको छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक किले को अगर बचाया गया होता तो शायद ये जो किला है पूरी तरह से आज सही सलामत में बचा होता। हिंदुस्तान में जो राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में खंडहर से खंडहर किलों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में सब जितने भी किला हैं सब इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई रखरखाव ना होने की वजह से ये सब किला खंडहर बनता जा रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये कमरा उस ज़माने में रहा होगा काफ़ी लंबा, हो सकता है कि किसी प्रयोग में उस ज़माने में रहने के लिए लाया जाता होगा या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। लेकिन इस महल को देखकर काफ़ी दुख भी होता है कि आखिर हमारे देश में पुरातत्व विभाग और यूपी सरकार कर क्या रही है, आखिर क्यों ऐतिहासिक धरोहरों को बचाती नहीं है, क्यों उसको ऐसी हाल पर छोड़ देती है। सिर्फ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देने से कोई किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर पुरातत्व विभाग कोई भी मॉन्यूमेंट प्लेसेस को अगर संरक्षण देती है तो आप विजयगढ़ किले को भी संरक्षण दीजिए, ताकि यहाँ पर भी लोग आएँ और इस ऐतिहासिक धरोहर को देखें। ये जो द्वार है आप वहाँ से गिनेंगे तो मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 ये 4 दरवाज़ा ये सामने था, और लगभग 2 फ्लोर का ये पूरा ये महल था। आइए आपको थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं, और इसके ऊपर का जो सिलाप होता है, जो छज्जा होता है, पूरी तरह से ढह चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि इस खंडहर को देखकर यही लगता है कि हो सकता था कि किसी ज़माने में इसे लोग
अगर पहल किए होते तो शायद ये किला बच गया होता। जितना नाम रानी चंद्रकांता का सुना था, लेकिन उनका किला देखकर उतना ही दुख होता है। तो यही है दोस्तों विजयगढ़ किले में। इस किले में आएंगे तो आपको दो बड़े बड़े महल, बहुत सारे आपको पोखरे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। कहते हैं कि इस किले के अंदर आपको 7 पोखरे देखने को मिलते हैं जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। इस पर किसी ने लिखा है चंद्रकांता महल, तो यह पूरा चंद्रकांता का ही महल है। जो रानी चंद्रकांता थी वो इसी किले में रहा करती थी, उनका मेन महल यही था। इस किले में बहुत सारे अवशेष भी मिले थे, देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत ही बेशकीमती कीमती। इसके नीचे मऊकला गांव में एक संग्रहालय बना है, जो भी यहां पर चीज़ें पाई गई थी वो सारी चीज़ें नीचे इस पहाड़ के नीचे मऊकला गांव पड़ता है, उसमें आपको हर चीज़ें वो भग्नावशेष देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं इसका बाहरी हिस्सा, ये जो पीछे का वाल है पूरी तरह से ढह चुका है। ये जो महल है काफ़ी बड़ा महल है, उस ज़माने में बहुत ही प्यार से इस महल को बनाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देर ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस किले में अभी और क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों इस किले में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला। ये जो आप देख रहे हैं ये मुका टाइप का निकला हुआ है, इसके नीचे सैनिक पहरा देते थे। जो लोग बाउंड्री किनारे जो सैनिक होते थे किले की सुरक्षा के लिए, तो वो बाउंड्री के किनारे ही रहने के लिए उनके लिए जगह बनाया गया था। और हम इसके ऊपर हिस्से में हैं तो नीचे उनको हवा पानी और रोशनी मिलता रहे, इसलिए इतना बड़ा ये मुका टाइप का ये निकला हुआ है ताकि उनको रोशनी भी बराबर मिलता रहे। तो ये किले में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, किले को सब कुछ ध्यान में रख के बनाया गया था उस ज़माने में। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और ये सब किले का एक कमरा हुआ करता था उस ज़माने में, और इस पर का जो छज्जा होता है वो ढह चुका है। एक यहाँ पर देख सकते हैं एक ताखा टाइप का भी है। उस ज़माने में कोई लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, तो लोग मसाल जलाते थे इस पर, या कोई सामान वामान रखने के लिए सब उस ज़माने में बनते थे। और ये जो स्थल है काफ़ी जर्जर की स्थिति में है और पेड़ भी जम चुकी है। तो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अक्सर ऐसे खंडहर जगहों पर खतरा भी बराबर बना रहता है। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या इस किले में देखने को मिलता है। इस किले के अंदर दोस्तों बहुत सारे भग्नावशेष बिखरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं एक भग्नावशेष यहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो कि बीच में हाथी बना हुआ है, और इसके किनारे भी कुछ बनाया गया है। हालांकि इसमें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर रहा होगा या फिर कोई महल रहा होगा। और ये जो जितना दूर में आप देख रहे हैं यहाँ पर सब के सब भग्नावशेष बिखरे पड़े हुए हैं, और इसके पीछे ये है तालाब। कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है, और ऐसे ऐसे तालाब पूरे विजयगढ़ किले के अंदर आपको 7 तालाब देखने को मिलते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा तालाब है, और ये सब प्राकृतिक तालाब है और बरसात का ही पानी इकट्ठा होता है। कहते हैं कि इस तालाब का पानी साल के 12 महीने तक कभी नहीं सूखता है। यहाँ पर एक मजार भी है, और इसमें लोग नहा धोकर मजार पर भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और आइए अब हम किले के बाकी हिस्सों को चलते हैं और दिखाते हैं कि अभी और क्या इस विजयगढ़ किले के अंदर देखने को मिलता है। ये जो किला है उस ज़माने में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहा होगी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर ऐसे कितने महल हैं जो कि पूरी तरह से ढह चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों एक महल और है, और यह महल भी पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। आइए अब आपको किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं। मुझे तो दोस्तों इस विजयगढ़ किले की सबसे खास लगती है इसकी दीवारें। इनकी जो दीवारें हैं वो देखकर आपको बहुत ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनकी दीवारों की अगर हम मोटाई की बात करेंगे तो लगभग 2.5 से 3 फीट मोटी इनकी दीवारें हैं, और पूरे पहाड़ को ही इसको घेर दिया गया था, और यही सबसे खास बनाती है विजयगढ़ किले को। यहाँ पर दोस्तों इस विजयगढ़ किले के अंदर एक और पोखरा देखने को मिला।
यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा ये पोखरा है और इसका जो पानी है ये पानी भी कभी नहीं सूखता है। इस पहाड़ पर पानी की वजह से ही यहाँ पर विजयगढ़ किले का निर्माण किया गया, क्योंकि जहाँ पानी होती है अक्सर वहीं पर लोग इंसान बसते हैं, कोई चीज़ बनती है। तो पानी होने की वजह से ही यहाँ पर इस विजयगढ़ किले का निर्माण कराया गया और यहाँ पर महारानी चंद्रकांता रहा करती थी। ये जो पानी है साल के 12 महीने तक कभी नहीं सूखता है और ऐसे ऐसे जो पोखरा है लगभग 7 पोखरे आपको विजयगढ़ पहाड़ी के ऊपर देखने को मिलेंगे। और आइए आपको आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि अभी और इस किले में क्या क्या देखने को मिलता है। किले में सबसे खास जो है इसकी जो दीवार है वो है 2 महल है और 7 पोखरा, यही चीज़ें इस किले में आपको दोस्तों देखने को मिलता है। चलिए आपको हम ले चलते हैं खिड़की गेट, जहां से लोग गाड़ी के माध्यम से आसानी तक इस किले तक पहुंच सकते हैं और वहीं से लोग गाड़ी से आते जाते हैं, और जो दोस्तों हमने मेन गेट दिखाया था वहां से लोग पैदल आते जाते हैं। पूरे किले की निगरानी के लिए जगह जगह उस ज़माने में एक चौकी टाइप बनाए जाते थे और सैनिकों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे और यहीं से रहकर सैनिक उस ज़माने में इस पूरे किले की सुरक्षा करते थे। ये जो कमरा है काफ़ी छोटा कमरा है, दुश्मन कोई इस किले पर अटैक ना कर सके, इसीलिए जगह जगह ये छोटे छोटे कमरे और निगहबानी के लिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन किले पर अटैक करने से पहले ही वो सतर्क हो जाए। आइए इसके ऊपर दिखाते हैं। और ऐसा ऐसा ये जो मुका टाइप का निकला हुआ है पूरे किले के चारों तरफ, आप बाउंड्री के किनारे पर जाएंगे तो आपको ऐसा हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए ऐसा बनाए जाते थे ताकि दुश्मन कोई अगर अटैक करता है चाहे कुछ भी करता है तो जो सैनिक होते थे वो लोग किले की निगहबानी करते थे अंदर रहकर, और उनके अंदर रहने के जो रहते थे उनको हवा पानी ऑक्सीजन मिलता रहे, इसलिए जगह जगह मुका टाइप बनाए जाते थे और यहीं से दुश्मनों को दूर से ही देखकर उनको मौत के घाट उतार देते थे, अटैक कर देते थे। और किले के चारों तरफ ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं चारों तरफ सैनिक लगे रहते थे। आइए अब हम हमको ले चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि अभी और क्या इस किले में है। यहाँ से दोस्तों घाटी का बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा ये पॉइंट हमको देखने को मिला। जब हम पूरे किले को घूम रहे थे तो बाउंड्री के किनारे पर ही यहाँ से आप अच्छा व्यू देख सकते हैं और यहाँ से आप पूरे कैमूर घाटी को देख सकते हैं। ये कैमूर के ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी, और जो लोग गाड़ी के माध्यम से आते हैं तो गाड़ी नीचे ही खड़ी करनी पड़ती है, और यहाँ से कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको खिड़की गेट देखने को मिलता है जहाँ से लोग इस किले में एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर आना चाहेंगे तो गाड़ी के माध्यम से आप आ सकते हैं खिड़की गेट से, और खिड़की गेट से आने के बाद आपको 10 मिनट की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो कि सीढ़ी बना हुआ है, और वहां से आप किले तक प्रवेश कर सकते हैं। पूरे किले को दोस्तों घूमते घूमते यहां पर दोस्तों एक छोटा सा ये महल हमको और देखने को मिला, और ये जो महल है ये सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था और बाउंड्री पर रहकर सैनिक जो पहरा देते थे उन्हीं के लिए ये बाउंड्री के किनारे पर ये महल बनाया गया था। ये छोटा सा कमरा है और इसके ऊपर देख सकते हैं रोशनी आती जाती रहे, इसलिए इसके ऊपर एक मुका टाइप निकला हुआ था ताकि किले के अंदर अंधेरा ना रहे इस रूम के अंदर। और एक छोटा सा ये कमरा ये है, और आइए आपको इसके बगल में भी एक कमरा और है तो दिखाते हैं। और एक कमरा दोस्तों ये है, और ये भी जो कमरा है देख सकते हैं इसका नीचे जो मलबा है पूरी तरह से गिरा हुआ है और जर्जर भी हो चुका है, और यहाँ पर भी रोशनी आती जाती रहे एक मुका टाइप का ऊपर से निकला हुआ है। आइए आपको बाहर ले चलते हैं और बाहर चल के दिखाते हैं कि अभी और क्या इस किले के अंदर है। एक सीढ़ी गया है ऊपर, तो हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि अभी और क्या इसके ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो किला है बहुत ही जर्जर स्थिति में भी हो गया है, तो थोड़ा सा एक डर भी लगा रहता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर जो खंडहर किले होते हैं पता नहीं कौन कब सा पत्थर आपके सर पर गिर जाए,
इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। और ये मोटी मोटी ये दीवार भी देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक भी लग रही है और डरावना तो है ही। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यही ऊपर से ये मुक्का टाइप का ये निकला हुआ है ताकि सैनिकों को रोशनी मिलती रहे, हवा पानी मिलता रहे। इसलिए जगह जगह जो भी कमरे बने थे वो मुक्का टाइप भी कमरे में निकाले गए थे। और कुछ तो दोस्तों है ना इस किले में, जितना था दोस्तों हमने सब आपको दिखा लिया। और यहाँ से देख सकते हैं यही है आपका ये खिड़की गेट, ये खिड़की गेट है जहाँ से लोग गाड़ी के माध्यम से आसानी से आ सकते हैं। वहाँ पर लोग गाड़ी भी खड़ा किए हुए हैं और 10 मिनट की चढ़ाई के बाद आप इस किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और कुछ तो दोस्तों इस किले में है नहीं, जितना था हमने सब आपको दिखा लिया। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।